और इस समय रामकुमार कृष्ण चारी जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये जो बायबैक हो रहा है कितना इक्विटी कैपिटल आप यहाँ पर बायबैक करने जा रहे हैं और कितनी कितना कितनी रकम की जरूरत होगी उसके लिए कंपनी को? रफली 170 करोड़ हम लोग एलोकेट किए हैं बायबैक के लिए, 24% ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्री रिजर्व एंड दैट विल ट्रांसलेट, आप अगर 15 से 50 पकड़ेंगे तो रफली 12 लाख शेयर होगा। सर अगर मोनेटाइज कर पाए कितने अमाउंट की जरूरत होगी कंपनी को? क्यों लेके आ रही है कंपनी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड आप जस्ट डायल के? ग्रोथ हमारा अगर आप बिजनेस मॉडल देखिए तो कोर बिजनेस हमारा हर साल करीब 200 करोड़ की कैश जनरेट कर रही है एंड दैट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड हमारा जो बिजनेस मॉडल है एसेट एंड कैपिटल लाइट है एंड हम लोग उम्मीद है कि हमारा जो ग्रोथ एंड पोटेंशियल है जो ऑर्गेनिक हम लोग करना चाहते हैं एब्सोल्युटली हमारा फ्री इट इज सेल्फ फंडिंग जिसको बोलते हैं हो जाता है। जो कैश बचा है आप आज करीबन 900 करोड़ और उसका ऊपर और 200 करोड़ ऐड हो जाएगा ये साल में, तो हम वो कैश को कैसे यूटिलाइज करें? अगर देयर आर टू ऑप्शन, इधर मैं हाई डिविडेंड दू या मैं बायबैक करूं, हम लोग का ऑप्टिमल यूज था कि यू नो वी विल डू अ बायबैक एंड दूसरा है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हमारा जो 800-900 करोड़ के ऊपर कैश होल्ड करना भी यू नो वी फेल्ट दैट इट इज मोर वी गिव बैक टू द शेयरहोल्डर्स। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारे जो भी इनऑर्गेनिक है वो जो 800-900 करोड़ का अंदर हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज ऑन दैट। राइट सर, मैं बिजनेस स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब ये सर्च प्लस सर्विसेज जो सेगमेंट है कब तक लॉन्च करने की कंपनी की योजना है, क्या आप डेट बता सकते हैं एग्जैक्ट? ये अगले 1 जून-जुलाई में तो लॉन्च होना जरूर जाना चाहिए एकदम पक्का, बिकॉज प्रोडक्ट हमारा रेडी है, इट इज जस्ट दैट हमारा कोई यू नो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू बी फाइनलाइज बिफोर द लॉन्च। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर आप सर्च और सर्विसेज कारोबार को है जो वो लॉन्च कर देंगे? एक साल के अंदर अंदर आप सर्विस और सर्विसेज को लॉन्च कर देंगे? एब्सोल्युटली एक साल में, अगले 2-3 महीने में तो हो ही जाएगा। राइट ठीक है सर, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे क्या कंपनी का फोकस है और क्या कोई आप अधिग्रहण प्लान कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? नो हमारा सी ऑलवेज हम देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मिल जाए तो दैट कैन कॉम्प्लीमेंट और एक्सेलरेट हमारा जो गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो हमारे भी बहुत इनबाउंड इंक्वायरीज आते रहते हैं, सो वी कीप लुकिंग अराउंड एंड जब भी कुछ मिलता है तो देखेंगे, जरूर सीरियसली कंसिडर करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आप इंटैक्ट समझते हैं कंपनी के लिए और कंपनी बायबैक लेके आई है 1550 के लेवल पे, ये बायबैक होगा, इंपैक्ट है स्टॉक प्राइस पे। निकिता मैं आपसे 2 ट्रेडिंग आइडियाज आज के जानना चाहूंगा।